हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने क्वालिटी लवर चैनल पर आपका। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं ये पुलिस सायरन। तो फ्रेंड्स, ये जो सायरन है ये कानूनी तौर पर इलीगल है, ये गैर कानूनी है। इसे लगाने पर आपका चलान कट सकता है, आपको फ़ाइन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि ये हॉर्न लगाएं आप अपनी बाइक पर, गाड़ी वगैरह सभी पर, ये गैर कानूनी है। तो इसे लगाने का आपको फ़ाइन हो सकता है। तो बट फ्रेंड्स, इसकी वीडियो मैं तब बना रहा हूँ क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट की कि इसकी वीडियो इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं उसी भाई की रिक्वेस्ट करने पर बना रहा हूँ। तो और भाई का एक और था कहने का पर्पज़ था कि जैसे पहले हमने वीडियो लगाई हैं अपनी, एयर प्रेशर हॉर्न अपने हिडन करके लगाए हैं, छुपा कर लगाए हैं, विंडट्यून हॉर्न छुपा कर लगाए हैं, ऐसे जितनी भी हमने वीडियो बनाई हैं। तो भाई ने बोला कि हमारा जो ये VIP सायरन, पुलिस सायरन भी है, इसे भी आप छुपा कर बाइक में इंस्टॉल करके दिखलाएं स्प्लेंडर बाइक में। तो YouTube पर इस हॉर्न को इंस्टॉलेशन की काफ़ी वीडियो हैं, बट उस भाई ने इसीलिए कहा कि आपने काफ़ी चीज़ें जो छुपा कर लगाई हैं तो इस हॉर्न को भी छुपा कर लगाने की वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो जिन्होंने वीडियो बनाई है वो बोल रहे हैं कि स्प्लेंडर बाइक पर हम इसे छुपा कर नहीं लगा सकते, मगर आज हम उसी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करेंगे। आज हम इस सायरन को स्प्लेंडर बाइक पर छुपा कर लगाएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो आज कुछ खास होने जा रही है। वैसे तो हमारी सभी वीडियो खास ही होती हैं, तो ये भी हमारी आज खास होने जा रही है। तो इस डिब्बे में अभी क्या है, इस डिब्बे में सिर्फ एक सायरन है ये, और इसे हम इसके लिए आज देखते हैं जहाँ तो बाइक में जगह बनाई है, जहाँ इसे बाइक के मुताबिक बनाएंगे हम। तो भाई ने बोला कि साथ में जिस भाई के इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो कि इसे इसके साथ हमने वो जो उसका स्टॉक हॉर्न है वो भी चलता रखना है, तो इसलिए हम साथ में ये टोगल स्विच लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं, और जो साथ साथ में जो इंस्टॉलेशन में जो जो पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें वो मैं साथ में आपको बताता जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सायरन हॉर्न है इसे हम सीट के नीचे लगाएंगे इधर। तो इसके लिए हमें इसकी सीट ओपन करनी पड़ेगी बाइक की, और इसका फ्यूल टैंक उतारना पड़ेगा, और इसके साइड पैनल ओपन करने पड़ेंगे। टंकी हम इसलिए उतारेंगे क्योंकि जो हमारा टोगल स्विच है वो हम इस टंकी के नीचे लगाएंगे। तो चलिए मैं अभी इसके सभी पार्ट ओपन कर लेता हूँ। अभी हमने बाइक के सारे पार्ट्स ओपन कर लिए हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारा सायरन है इसे हम इधर प्लेस करेंगे बाइक के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे ही इसे रखेंगे तो इसे हमें बाहर ही लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हमें इसे कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसे कस्टमाइज़ करते हैं क्वालिटी लवर के तरीके से। इसे कस्टमाइज़ करने के लिए हमें पहले तो इसकी ये पत्ती उतारनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिस तरीके से इसे इंस्टॉल करेंगे बाइक में उसमें हमें ये माउंटिंग पत्ती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी निकाल दी। और फ्रेंड्स, जो इसकी हमें सिर्फ इसका जो अंदर वाला पार्ट है वो चाहिए, ये बाहर वाली आउटर बॉडी से हम इसे निकाल लेंगे। तो इसके अंदर 3 स्क्रू लगे हुए हैं, उन्हें ओपन करके ये बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेन यूनिट यही है हमारी जो आवाज़ देती है, ये है, और साथ में इसके ये कार्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, कुछ भाई लोग सोचेंगे कि इसे बाहर निकालने से इसकी जो है आवाज़ कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी आपको एक बार आवाज़ चेक करवा देता हूँ कि ये जो इसका आउटर बॉडी है उसके साथ भी उतनी ही आवाज़ रहेगी जितनी इसके बाहर है। ये देखिए, ये फ्रेंड्स आउटर बॉडी के साथ है, और ये देखिए आउटर बॉडी के बाहर। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो कोई आवाज़ में फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर पड़ता भी होगा तो बिल्कुल हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता होगा। तो चलिए अभी इसे मैं अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर लेता हूं, और देखिए इसे निकाल लेना है प्रॉपरली इसे, और इस चीज़ को फेंक देना है। बस ये इतना पार्ट है, इसे ही हमें इंस्टॉल करना है। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो इसका अपने सायरन का सर्किट है उसे आप ऐसे पॉलीथीन और PVC टेप की हेल्प से एक बार कवर कर लें, ताकि जो इसके टंके वगैरह भी जो हैं सोल्डिंग किए हुए वो ना टूटें, और वाटर प्रूफिंग भी हो जाए इसे इसकी। तो चलिए मैं जल्दी से इसे कर लेता हूं, और उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन दिखाता हूं। फ्रेंड्स, जो इसका सर्किट था वो हमने इस पर पॉलीथीन और PVC टेप को लगाकर कवर कर दिया है, और इधर भी जो वायर खींचना चाहिए इधर से टैंक के जो लगाए हुए हैं इसके सोल्डिंग की है, तो यहाँ पर भी हमने PVC टेप से इसे प्रोटेक्ट कर दिया है। तो अभी जो है ये हमारा सायरन है, इसे हम इधर इंस्टॉल करेंगे सीट के नीचे। इसकी जो वायर्स हैं इधर आगे निकाल लेंगे, और ये जो सायरन है इसे इधर दबा देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे
इधर फिक्स करने के लिए हमें कोई भी नट बोल्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट लगी है, उससे ये खुद ब खुद इधर फिक्स हो गया है बॉडी के साथ बाइक की। जो जो हमारा सायरन है, इसकी जो नेगेटिव वायर है वो हमने डायरेक्ट इधर बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर कनेक्ट कर दी है, और जो इसकी पॉजिटिव वायर है वो हमने इधर एक्सटेंड कर ली है, और इसे हम इधर से निकाल कर इधर टॉगल स्विच पर ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉगल स्विच है, ऐसी जो हॉर्न वाली पत्ती मिल जाती है हमें 10-15 रुपए की, इस पत्ती को हमने कस्टमाइज़ करके मॉडिफाई करके इधर जो एसटी कॉइल का नट है बाइक का उस पर लगा दिया है, और उस पर हमने ये टॉगल स्विच लगा दिया है, क्योंकि हमने जो स्टॉक हॉर्न है उसे भी चलता रखना है साथ में, इसलिए हमने ये सिलेक्टर स्विच टॉगल स्विच बोलते हैं ये लगा दिया है, जो एक तरफ को इस पर स्टॉक हॉर्न चलेगा, दूसरी तरफ हमारा सायरन चलेगा। तो चलिए अभी मैं इसकी वायरिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सायरन था उसकी हमने जो एक पॉजिटिव वायर थी वो हमने इधर टॉगल स्विच के एक पॉइंट पर लगा दी है, और फ्रेंड्स इधर जो हमारे स्टॉक हॉर्न है बाइक का ये वाला, इसकी हमने स्टॉक वायरिंग उतार ली है हॉर्न की। तो फ्रेंड्स, इसमें एक वायर जो नेगेटिव होती है ये डायरेक्ट होती है, और जो पॉजिटिव है वो हमारी स्प्लेंडर बाइक में स्विच के थ्रू आता है, जब हम स्विच दबाएंगे तभी हमारा पॉजिटिव करंट हॉर्न को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये एक टेस्टर लगाया है ये बल्ब, तो इसे मैंने इधर बॉडी पर ग्राउंड कर दिया है इसकी एक वायर को, और दूसरी वायर मैं इधर लगा रहा हूँ, और अभी मैं स्विच दबाऊंगा तो ये बल्ब ग्लो होगा, ये देखिए। तो अभी ये कन्फर्म है कि ये हमारा जो लाइट ग्रीन कलर की वायर है ये हमारी पॉजिटिव है। हाँ, तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्टॉक हॉर्न की वायरिंग थी वो मैंने एक्सटेंड कर ली है, ये पॉजिटिव करंट वाली वायर जो हमारा स्टॉक हॉर्न का स्विच दबाने पर करंट आता है वो वाली, वो टॉगल स्विच के हमारे सेंटर पर पॉइंट पर लग जाएगी, और ये एक एक्स्ट्रा न्यू वायर ऐड की है, और ये टॉगल स्विच के इस पॉइंट पर लग जाएगी, और ये हमारी सप्लाई देगी हमारे स्टॉक हॉर्न को। तो अभी हम इस वायर को स्लीव की मदद से कवर कर लेंगे ताकि जो देखने में अच्छा लगे। हाँ, तो अभी हमने ये वायर कवर कर दी है स्लीव से, और इधर इसके कनेक्शन कर दिए हैं टॉगल स्विच पर। अभी टॉगल स्विच मैंने इसलिए नहीं था कसा कि इसे हम पीवीसी टेप की कवर से मदद से इसे कवर कर देंगे ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, ये टंकी वगैरह से टच ना करें हमारा जो स्विच है। और अभी जो जो थिम्बल्स हैं इन्हें हमें स्टॉक हॉर्न की थिम्बल पर लगा देनी है, बस इतना काम है, मैं अभी ये कर लूँ, और बाद में इसकी टंकी वगैरह सभी चीज़ें लगाकर आपको इसकी साउंड चेक करवाते हैं। अभी जो हमारा जो टॉगल स्विच है इधर हमने लगा दिया है जी, एक साइड को हमारा सायरन काम करेगा, सेंटर में ये ऑफ हो जाएगा ये देखिए, और दूसरी तरफ हमारा स्टॉक हॉर्न काम करेगा, सेंटर ऑफ और इधर सायरन। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो टंकी है फ्यूल टैंक है वो फिट कर दिया है, मगर हमने जो सीट है इसलिए नहीं लगाई ताकि कोई भाई ये ना सोचे कि ये फेक वीडियो है कि सायरन निकाल के वगैरह उसकी साउंड सुना दी है हमें। तो सायरन इधर ही अभी भी प्लेस है, इधर ही इंस्टॉल है, तो अभी हम इसके ऊपर सीट लगाएंगे, ये रही सीट, ये देखिए इधर हमारा सायरन लगा हुआ है, और ये लग गई सीट, और अभी हम इसके स्क्रू लगा देंगे, और ऐसे ही फ्रेंड मैं दूसरी साइड का भी लगा देता हूँ, और ये देखिए इधर से भी एक बार भाई दिखा दें, ये देखिए अभी हमारा सायरन जो है इधर लगा हुआ है ये देखिए। तो चलिए अभी मैं दूसरी साइड का भी नट लगा देता हूँ, तो फ्रेंड्स फाइनली हमने इसकी सीट कस दी है, अभी इसका साइड पैनल वगैरह भी लगा देते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बार इसकी साउंड टेस्ट करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इग्निशन किया ऑन, तो दबाया इसका ऑन बटन, तो फ्रेंड्स देखिए इसकी आवाज़ को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका जो हमने मॉडिफिकेशन की है इसका जो आउटर बॉडी थी वो निकाल दी है, तो अभी भी इसकी जो साउंड है बहुत अच्छी है ये देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।